नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आप ही के YouTube चैनल कुमार होम्यो हेल्थकेयर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही असरदार है। ऐसे लोग जो अपने कम उम्र में बहुत ही ज्यादा मैस्टरबेशन करते हो, हस्तमैथुन कर रहे हो, लिंग के साथ छेड़खानी कर रहे हो, जिसके कारण एक समय के बाद, एक पड़ाव के बाद उसे यौन से जुड़ी ही समस्या उत्पन्न होने लगती है, ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए यह रेमेडी बहुत ही असरदार है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एग्नस केस्टस के बारे में, जो कि पुरुषों के लिंग से जुड़ी हुई समस्या की बहुत ही इफेक्टिव और सर्वोत्तम रेमेडी है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि एग्नस केस्टस के सारे लक्षणों के बारे में। अगर दोस्तों एग्नस केस्टस की बात की जाए, यह रेमेडी ऐसे लोग जिसका बुढ़ापा पहले आ गया हो, और बुढ़ापा कहने का मतलब कि उसकी जो यौन क्षमता है, जो उनकी सेक्सुअल कैपेसिटी है, वह समाप्त हो गया हो समय से पहले, और उसका कारण यह है कि वह अपने प्रारंभिक समय में लिंग के साथ कुछ ऐसी छेड़खानी किए हो या ओवर मैस्टरबेशन किए हो, उसके कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह शरीर के बहुत सारे अंग पर इफेक्ट करती है, लेकिन मोस्टली इफेक्ट करती है ये शरीर के सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मतलब पुरुषों के पीनी से जुड़ी हुई समस्याओं की एक अच्छी रेमेडी है। दोस्तों, यह रेमेडी प्री मेच्योर ओल्ड एज एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर। इस रेमेडी का एसेंस यह है कि समय से पहले बुढ़ापे का आ जाना, और किसके कारण? यौन से जुड़ी हुई क्षमता के समाप्त हो जाने के कारण। तो मतलब जो उसके लिंग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो उसके सेक्सुअल कैपेसिटी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वह समय से पहले ही समाप्त हो जाती है। इस रेमेडी के एसेंस को आप इस तरीके समझ सकते हैं, दिस इज द एसेंस ऑफ दिस रेमेडी। हर एक रेमेडी का होम्योपैथी में एक सार है कि यह रेमेडी शरीर में जाने के बाद इन चीजों पर काम करता है। अगर पेलेटिना की बात की जाए, तो ऐसे रोगी जो एरोगेन जिसमें ज्यादा है, जो अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझते हैं प्लेटिनम की तरह, क्योंकि प्लेटिनम एक बहुत ही महंगी धातु है, तो उनके सोच में भी वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, तो वह उनके इन विचारों पर काम करता है। तो हर एक रेमेडी का अपना एक एसेंस है। अगर एग्नस केस्टस के एसेंस की बात की जाए, तो एसेंस ऑफ दिस रेमेडी इज द प्री मेच्योर ओल्ड एज एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर। पुरुषों के लिंग की फर्टिलिटी, उनकी यौन क्षमता के समय से पहले समाप्त हो जाने के कारण जो बुढ़ापा है, उसकी एक ये अच्छी रेमेडी है। दोस्तों, ऐसे लोगों में रिपीटेड गोनोरिया की भी लक्षण होती है। रिपीटेड गोनोरिया लिंग से जुड़ी हुई समस्या के साथ सुजाक की समस्या भी इनके साथ जुड़ी हुई रहती है। गोनोरिया के केस में क्या होता है कि पुरुषों के लिंग में इन्फेक्शन हो जाता है, और वहां से डिस्चार्जेस शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन से डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, और यह एक यौन रोग है जो कि इन्फेक्टियस होता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनने के बाद ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। तो यह गोनोरिया की हिस्ट्री अगर इनके साथ हो, तो यह इस रेमेडी के लक्षणों को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। दोस्तों, अगर ये इस रेमेडी की बात की जाए कि यह रेमेडी किन किन चीजों पर काम करता है, यह आपके सेक्सुअल वाइटलिटी समाप्त हो गई हो, डिप्रेशन की अवस्था आ गई हो, साथ ही
लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, इन तीनों के नुकसान की भरपाई ये करता है। तो आप देख सकते हैं यह रेमेडी मुख्यतः पुरुषों के लिंग से जुड़ी समस्या पर काम करता है। तो इस रेमेडी को आप इस तरीके से समझे कि बचपन में की हुई गलतियां को उम्र से पहले ठीक करने के लिए यह रेमेडी असरदार है। अगर ऐसी कोई गलतियां हुई हो और उसके कारण यह रोग हुआ हो जिसमें वह अपने आप को लूजनेस इन जेनिटल्स, शॉर्टनेस इन जेनिटल्स, शॉर्टफॉल, प्री मेच्योर एजुकेशन, लेक ऑफ स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट का गिर जाना, उसकी मोर्टेलिटी रेट का गिर जाना, ये सारी समस्याएं इनके साथ जुड़ी हुई रहती है। दोस्तों अगर नेक्स्ट बात की जाए, यह लिंग के रोगों को छोड़कर, लिंग से जुड़ी हुई समस्या को छोड़कर यानी पीनिस की समस्या को छोड़कर, यह रेमेडी बहुत ही प्रोमिनेंट रेमेडी है स्ट्रेन और स्प्रेन की, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। मतलब आपको मोच पड़ जाए उसकी भी एक अच्छी रेमेडी है, चोट और खिंचाव की। शरीर के भीतर अगर आपको खिंचाव आ गया हो, मोच पड़ गया हो, तो उसकी एक रेमेडी अच्छी रेमेडी है। तो इसकी, इस रेमेडी की इस गुणों की तुलना आप अग्निका से कर सकते हैं, बेलिस पर से कर सकते हैं, रूटा से कर सकते हैं और कुछ हद तक रोडोडेंड्रोन से कर सकते हैं, क्योंकि ये रेमेडी भी इंजरी की एक अच्छी रेमेडी है जिसमें बॉडी पेन हो, इन्फ्लामेशन हो और स्ट्रेन और स्प्रेन की कंडीशन हो। दोस्तों अगर एक नेक्स्ट पॉइंट बात किया जाए कि पीनिस के अलावा, पुरुषों के लिंग के अलावा यह रेमेडी किन चीजों पर काम करती है। दोस्तों एग्नस किस्टस शरीर के हर एक पार्ट में इचिंग की टेंडेंसी हो और लेकिन वो स्पेशली अगर आय से जुड़ी हुई समस्या हो, आय में इचिंग की टेंडेंसी उस पर अच्छा काम करती है। इसके इस गुणों की तुलना, इस लक्षण को आप कंपेयर कर सकते हैं यूफ्रेशिया से, और पूरे बॉडी में जो इचिंग की प्रॉब्लम हो इसकी तुलना हो सकती है डॉलीकॉस से, क्योंकि डॉलीकॉस के केस में भी पूरे बॉडी में इचिंग की टेंडेंसी होती है और यूफ्रेशिया या आय डिस्चार्ज के साथ अगर उसमें थोड़ी बहुत इचिंग रहती है तो इससे अच्छा काम करती है इचिंग इन ऑल पार्ट्स स्पेशली इन आय। अगर इस रेमेडी को समझे तो ये पुरुषों के लिंग से जुड़ी हुई समस्या पे काम करता है, यानी वो अपने आप को अक्षम पाता है, असमर्थ पाता है शारीरिक संबंध बनाने में। वास्तव में उसके अंदर जो सेक्सुअल वाइटलिटी है वह लगभग समाप्त हो चुका होता है, वह उम्र से पहले ही बूढ़ा हो चुका होता है शारीरिक क्षमता के मामले में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह बहुत ही कम समय से ही मैस्टर्बेशंस, ओवर मैस्टर्बेशंस करने से और लिंग के साथ एक अप्राकृतिक तरीके से छेड़खानी करने के से जो स्पर्म काउंट है यह कम हो जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशंस है ग्रोइन रीजन में, प्राइवेट पार्ट के रीजन में, वो कम हो जाता है, इसके कारण लूजनेस आ जाता है। वो मेंटली प्रिपेयर भी होता है बट फिजिकली वो प्रिपेयर नहीं हो पाता है। अगर ऐसी हिस्ट्री उनके साथ हो, साथ ही अगर गोनोरिया की हिस्ट्री हो कि गोनोरियल डिस्चार्ज हो रहा हो और इन सारे लक्षण अगर मैच कर रहे हो तो वह स्ट्रांगली एग्नस केस्टक्स की तरफ इंडिकेट करता है। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें कि होम्योपैथी में कोई एक सिंगल लक्षण की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि चोट है तो उसकी एक स्पेसिफिक रेमेडी है। लक्षणों के समूह से जो रेमेडी सबसे ज्यादा मैच करता है, फिजिकल प्रेजेंट फिजिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, वह उससे ठीक करने की सबसे बेहतर और सर्वोत्तम औषधि माना जाता है। यही होम्योपैथी का सिद्धांत है। तो सिर्फ और सिर्फ यह कह देना कि लूजनेस इन जेनिटल्स है या वह शीघ्र पतन की समस्या है, ढीलेपन की समस्या है, टाइमिंग ड्यूरेशन कम हो गया हो, तो इसकी यह एग्नस केस्टस ही रेमेडी है, दिस इज नॉट होम्योपैथी।
उसके बहुत सारे रेमेडी हो सकते हैं। स्टेफिसेग्रिया भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, प्लाटीना भी हो सकता है, लेकिन लक्षणों को मिलाना होता है और आपको पता करना होता है व्हाट इज द एसेंस ऑफ रेमेडी। यू मस्ट नो अबाउट द एसेंस ऑफ रेमेडी। हर एक रेमेडी की, हर एक औषधि की अपनी एक सार होता है, उस सार को समझना होता है कि वह किस चीजों पर काम करता है। तो एसेंस ऑफ एग्नस कैस्टस इज प्री मिच्योर ओल्ड एज अब्यूजिंग ऑफ सेक्सुअल पावर। ओके दोस्तों, यह रेमेडी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट पे भी बहुत ही अच्छा काम करती है, स्पेशली अगर टैकीकार्डिया की समस्या हो। और किससे हो? टोबैको के ओवर कंज्यूम करने से, इनटेक करने से एबनॉर्मल हार्ट पल्पिटेशंस की समस्या हो, मतलब अनियमित धड़कन, अनियमित धड़कन हो, धड़कन की जो धड़कने की रफ्तार है वो अनियमित तरीके से हो, वो एक यूनिफॉर्मली तरीके से नहीं धड़क रहा हो, जिसे एबनॉर्मल पल्पिटेशंस कहा जाता है, अनियमित धड़कन या टैकीकार्डिया कहा जाता है। दोस्तों ये लक्षण पर होम्योपैथी की दूसरी भी बहुत सारी रेमेडी जो बहुत अच्छा काम करती है, और अगर एक रेमेडी की बात की जाए लियोनरस कार्डिका, क्रोटिकस ऑक्जीकेंथा, कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस और डिजिंथलिस, ये सब वो रेमेडी है जो कि टैकीकार्डिया पर किसी न किसी तरीके से काम करती है। लियोनरस कार्डिका यह हार्ट को रिलैक्स करती है, उसके बर्डन को कम करता है। और क्रेटस ऑक्जीकेंथा, यह हार्ट में एक क्लचिंग पेन हो रहा हो, उसके साथ उसकी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो वो एबनॉर्मल हो, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल की वैल्यू बढ़ी हुई हो, और उसके साथ हाइपरटेंशन की टेंडेंसी हो, और उन्हीं के साथ अगर एबनॉर्मल पल्पिटेशंस भी हो, तो यह रेमेडी उस सिम्टम्स की तरफ इंडिकेट करता है। कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस भी और डिजिंटलिस, यह नॉर्मली हार्ट पल्पिटेशंस अगर 50 के आसपास चला जाता है तो उस कंडीशन की यह बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। तो यह इसके इस गुणों की तुलना जो टैकीकार्डिया कॉज बाय टोबैको, ओनली टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया की होम्योपैथी में ये सारे रेमेडी, बट टैकीकार्डिया अगर टोबैको के कारण इंड्यूज हुआ हो, तो दोस्तों आपने जाना एग्नस कैस्टस के एक कॉमन सिम्टम्स के बारे में, इनके लगभग सभी लक्षणों के बारे में, कि किस तरीके से एग्नस कैस्टस या पुरुषों के लिंग से जुड़ी हुई समस्या की बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इफ वी टॉक अबाउट द व्हाट इज द एसेंस ऑफ एग्नस कैस्टस, द प्री मेच्योर ओल्ड एज फ्रॉम अब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर, मतलब सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल वाइटलिटी के लॉस्ट कर जाने के कारण समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाना। और उसका कारण क्या है कि अपने प्रारंभिक समय में, कम उम्र में, ओवर मैस्टरबेशन की टेंडेंसी होना और लिंग के साथ वह सभी हरकत करना, जिसके कारण आने वाले समय में, बाद के समय में, वैवाहिक जीवन में जाने के बाद उसे लिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। वो अपने आप को असमर्थ पाता है और उसके इस असमर्थ होने का जो कारण है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी अतीत की में की गई वह गलतियां हैं। अगर यह टेंडेंसी या हिस्ट्री उनके साथ जुड़ा हुआ हो और उसके साथ उसमें शॉर्टफॉल, एजुकुलेशंस, प्री मेच्योर एजुकुलेशंस की टेंडेंसी हो, उसमें अगर गोनोरिया की हिस्ट्री हो, साथ साथ सुजाग रोग हो जिसमें डिस्चार्जेस होते रहते हैं, उसके साथ बॉडी में अगर ईचिंग की टेंडेंसी हो, टैकीकार्डिया की टेंडेंसी हो, अगर ये सारे लक्षण बहुत हद तक मैच कर रहे हो, इफ मोस्ट ऑफ सिम्टम्स मैचेज विद दिस रेमेडी, देन दिस विल बी द स्ट्रांग इंडिकेशंस। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेम्बर, इन होम्योपैथी यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब वन मेडिसिन ऑन बिहाफ ऑफ फ्यू सिम्टम्स। एवरी मेडिसिन हैज अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स। इफ मोस्ट ऑफ सिम्टम्स मैचेज विद द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट, एंड दैट रेमेडी विल बी सिलेक्टेड। तो जो भी रेमेडी इस वीडियो में, इस चैनल पर बताई गई हो, वह आपके नॉलेज के लिए है। आपको जब भी कोई रेमेडी लेना है, आफ्टर डायग्नोसिस ही लेना है। आप अपने आसपास के किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से
प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद, अपने मेंटल, अपने फिजिकल सारे लक्षणों को बताने के बाद, तब जो रेमेडी सेलेक्ट किया जाएगा वही आपके लिए बेहतर रेमेडी होगा और उसके क्या डोजेज होंगे। दोस्तों अगर इसके जनरल डोजेज की बात की जाए, इस रेमेडी की लोअर पोटेंसी बहुत ही अच्छा काम करता है, 1C to 3C तक इसकी रेमेडी बहुत ही अच्छी काम करती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में 6C और 30C और एवर और हायर पोटेंसीज भी इस्तेमाल में आते हैं। तो आपने जाना एग्नेस केस्टस के इसके एसेंस के बारे में और इसके सारे लक्षणों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्नेस केस्टस किस प्रकार की बॉडी के अलग अलग अंगों पे, हेड पे, महिलाओं के यौन से जुड़ी समस्याओं में ये किस तरीके से काम करती है, स्किन से जुड़ी हुई समस्याओं में किस प्रकार से काम करती है और उसे ब्रीफली आपको समझाएंगे। दोस्तों अगर आप होम्योपैथी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसके होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, डिजीज और उसके लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं, बॉडी फिजियोलॉजी और बॉडी एनाटॉमी को जानना चाहते हैं, किस प्रकार बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है वो कैसे बनते हैं टिश्यू से, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, वो किस तरीके से फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, साथ ही आप ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, आप होम्योपैथी फार्मेसी के बारे में जानना चाहते हैं, आप ऑलरेडी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप BHMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तब भी हमारा यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर दी गई जानकारियां आपके मेडिकल एग्जामिनेशन, आपके ईयरली एग्जामिनेशन, साथ ही आपके सिलेबस के बहुत सारे कंटेंट को कवर करेगा। इसलिए भी आप हमारे चैनल कुमार होम्यो हेल्थकेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का लोगो आएगा, आप इसे भी क्लिक कीजिए, इससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।